हे गाइस, न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और हम अभी बोकारो के सेक्टर 4 में हैं और हमारे पीछे देख रहे हैं जगन्नाथ मंदिर है, जो इधर से चाहेंगे दिखाना आप लोग को। देखिए कितना बड़ा है मंदिर। तो यहाँ पे हम घूमने आए थे, तो आप हम सोचे आप लोग को दिखा दें। तो आप लोग यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं और गेट अब खुल चुकी है, जिससे पहले नहीं खुली थी। हम लोग कुछ वेट किए हैं आप लोग के लिए, तो गेट खुल चुकी है। तो अब चलते हैं अंदर और अंदर का सारा व्यू आप लोग को दिखाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। चलिए, तो हम लोग अंदर चल रहे हैं और दिखाने का कोशिश करते हैं तो अंदर में क्या क्या है। तो अंदर हम आ गए हैं और अंदर का भव्यता आप लोग को दिखाएंगे, तो बने रहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा मंदिर है और मंदिर के कैंपस में हैं हम लोग। और यहाँ पे गार्डन है और लोग सब बैठे हुए भी हैं और इसके पीछे भी है कुछ, तो बने रहिए ब्लॉग में, चलते हैं आगे। मंदिर बना हुआ है और एक बड़ा सा मंदिर है जो आप देखे हैं। और यहाँ पे पार्किंग टाइप का बहुत ज़्यादा जगह है, पार्क टाइप का। देखिए, एकदम गार्डन टाइप का है यहाँ का नज़ारा। बहुत अच्छा लगता है। और इधर जो है एक नदी है इसके अंदर, उधर हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं से आप लोग देख लीजिए। और इधर देखिए कुछ बनाया हुआ है। और एक ये मंदिर है, उसके बाद इधर बड़ा वाला मंदिर है, दिख रहा होगा आप लोग को। और इधर भी एक मंदिर है यहाँ पे पेड़ के पीछे है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, यहाँ से इसका लुक जो है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत शानदार है। तो आप लोग यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं। आइए और हम साइड से आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए, साइड से भव्यता किस तरीके से ये बनाया गया है और इसका नक्काशी कितना अलग तरीके का है। इसके साइड है जो आप लोग आते हैं तो रेस्ट के लिए, रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा बनाया गया है, देख सकते हैं वहाँ पर चेयर वगैरह लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए, आज का ब्लॉग रहेगा इतना ही। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।